हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और देखिए, मैंने आपको पहले भी इन्फॉर्म किया था कि आपकी छोटी सी लापरवाही और आपकी छोटी सी गलती की वजह से आपके स्कॉलरशिप का पैसा आपके बैंक अकाउंट में नहीं आएगा। इसलिए मैं आपको टाइम टू टाइम सारे इन्फॉर्मेशन को, सारे अपडेट्स को प्रोवाइड करते रहता हूँ। सबसे पहले मैं बता दूं कि आज के डेट में या फिर कहिए कि आज के बाद से यानी कि 31 मार्च तक किन किन बच्चों का पैसा आएगा, और केवल इन्हीं बच्चों का पैसा आ पाएगा, अदरवाइज और बच्चों का पैसा नहीं आएगा। चाहे आप किसी भी कोर्स के स्टूडेंट्स होंगे, चाहे आप किसी भी कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे, वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, सारी चीजों को समझेंगे। इसके अलावा हो सकता है कि आपका जो स्टेटस होगा वो पेंडिंग दिखा रहा होगा, तो जितने भी पेंडिंग स्टेटस है, पांचवी वाले ऑप्शन में जो यूपी स्कॉलरशिप का स्टेटस होता है, तो वो पेंडिंग वाले स्टेटस अभी फिलहाल में वो आपका एक तरीके से मान सकते हैं कि आपका वो स्टेटस रिजेक्ट हो गया है। ठीक है, अभी ब्लॉक बाय डायरेक्टरेट यानी कि निदेशालय द्वारा ब्लॉक दिखा रहा होगा, वो एक तरीके से कह सकते हैं आपका फॉर्म वगैरह रिजेक्ट हो गया है। उसके रिगार्डिंग अभी कोई अपडेट नहीं है और वो सही होने के चांसेस ना के बराबर एक तरीके से वो फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। अब बारी आती है कि भाई मेरा फॉर्म तो वेरीफाइड है, तो मेरा पैसा क्यों नहीं आया। आपने देखा होगा 25, 26 और 24 के डेट में भारी मात्रा में बच्चों का स्कॉलरशिप का पैसा भेजा गया है। तो आज के बाद से किन बच्चों का पैसा वगैरह भेजा जाएगा, और काफी सारे स्टूडेंट्स के सामने ऐसी समस्या आई है कि उनका जो पैसा जब स्कॉलरशिप का भेजा गया है तो उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो पाया है। रीजन क्या था, मैंने आपको बताया था कि अगर आपके स्कॉलरशिप का स्टेटस वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी है तो जाहिर सी बात है तब आपका पैसा भेजा जाएगा। पैसा किस कंडीशन में भेजा जाएगा, चलिए आपका वेरीफाइड है, फंड की समस्या नहीं रहती है तो पैसा भेजा जाएगा। चलिए फंड की भी समस्या नहीं, आपका पैसा भेजा जा रहा है और इस केस में पता चले कि आपके बैंकिंग के कार्य वगैरह कंप्लीट नहीं है या फिर कहिए कि बैंकिंग में कोई समस्या है, तब आपके स्कॉलरशिप का पैसा आपके बैंक अकाउंट में नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो आपको कैसे चेक करना है कि आपके बैंकिंग के पूरे कार्य सही है फिर नहीं, जो आपका एनपीसीआई होता है, मैपिंग वगैरह होता है, उसको कैसे चेक करना है ये प्रोसेस जान लीजिए। और जितने भी वेरीफाइड वाले स्टूडेंट्स हैं जिनका स्कॉलरशिप का स्टेटस वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी दिखा रहा है, उनको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आपके एनपीसीआई यानी कि बैंकिंग के कार्य सारे कंप्लीट है तो 31 मार्च 2024 से पहले आपके स्कॉलरशिप का पैसा आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जाकर के गूगल में सर्च करना है एनपीसीआई। डायरेक्टली आप सर्च करेंगे नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई शॉर्ट फॉर्म में सर्च करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, जो आपके कहिए एनपीसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट होगी, यहां से आपको डेस्कटॉप साइट पर कर लेना है, थोड़ा सा बेहतर रहेगा। यहाँ पे देखिए नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट है, सबसे पहले नंबर पे इस पे आपको क्लिक करना होता है। उसके बाद से कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने ओपन होकर आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे कई सारे ऑप्शन होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिख जाएगा कंज्यूमर का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने नीचे देखिए कई प्रकार के ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यूपीआई कंप्लेंट, अदर प्रोडक्ट कंप्लेंट, एटीएम लोकेटर, चेक योर एनईटीसी स्टेटस, या फिर कह लीजिए बहुत सारे ऑप्शन है। तो इसी में एक ऑप्शन आपको दिख जाएगा भारत आधार सीडिंग इनेबल BASC। ठीक है, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपसे कुछ डाटा मांगे जाएंगे, जैसे कि आपका आधार नंबर हो गया। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा कभी कभी प्रोसेस लगे, थोड़ा सा समय लग सकता है। यहाँ देखिए इंटर योर आधार यानी कि आपका डाटा आधार का है, यहाँ पे आपका नंबर मांगा जाएगा और ये जो कैप्चा दिख रहा होगा इसको यहाँ पे फिलअप करना है और चेक स्टेटस के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। चलिए सारी चीजें फिलअप करके फिर मैं आगे प्रोसीड करके आपको दिखाता हूँ। अब देखिए सारी चीजों को फिलअप करने के बाद यहाँ पे चेक स्टेटस के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर होगा आधार कार्ड से, उस पे ओटीपी गया होगा। ठीक है, उस ओटीपी को यहाँ पे फिलअप करना है और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। चलिए फिलअप करके फिर मैं आगे प्रोसीड करके आपको दिखाता हूँ। अब देखिए ओटीपी को फिलअप करने के बाद यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पे आप, फिर उसके बाद से देखिए आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपका आधार नंबर के लास्ट के 4 डिजिट दिख जाएंगे। उसके बाद से मैपिंग स्टेटस आपको दिखा रहा होगा इनेबल। ठीक है, इनेबल फॉर डीबीटी, इनेबल है यानी कि डिजेबल नहीं होना चाहिए आपका। यहाँ पे आपका कहिए कि एक्टिव दिखाना चाहिए, एक्टिव है, या फिर कहिए कि इनेबल है, तब कोई समस्या नहीं है। अगर आपके में डिजेबल दिखा रहा है, डिजेबल फॉर डीबीटी, या फिर इनएक्टिव दिखा रहा है, ठीक है, या फिर इरर की समस्या यहाँ पे आ रही है, या फिर यहाँ पे ब्लैंक आपका दिखा रहा है, तो इस केस में आपके यूपी स्कॉलरशिप का पैसा आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो पाएगा, समस्या वहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, इसके लिए अगर नहीं दिखाएगा तो आपको तत्काल अपने बैंक में जाकर के कहिए कि कॉन्टैक्ट करके वहाँ से ईकेवाईसी वगैरह, आधार सेडिंग की जो प्रक्रिया है वो भी कभी कभी रिजेक्ट हो जाता है, आधार भी ऑटोमेटिकली हट जाता है, वो भी सारे कार्य कंप्लीट करा लेने हैं। लास्ट अपडेटेड किस डेट में आपका अपडेट हुआ है वो यहाँ पे दिखा देगा, 30/6/2022 से इनका अपडेट है। तो इस तरीके से आपका 2023 में होगा, 2024 में होगा, जो भी होगा वहां पे दिखा देगा और नीचे से आपको कोई लेना देना नहीं है। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। जिनका भी स्कॉलरशिप का स्टेटस वेरीफाइड है उनको घबराने की जरूरत नहीं है, 31 तक आप वेट कीजिए, सभी का पैसा आ जाएगा। मैं आपको टेलीग्राम पे इन्फॉर्म करते रहता हूँ डेली बाय डेली, भारी मात्रा में बच्चों का स्कॉलरशिप का पैसा आ रहा है, चाहे आप किसी भी कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।